वाराणसी में चतुरी खलीफा भोतु उस्ताद व्यायामशाला सर्रास में अंतर्राष्ट्रीय महाविराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई देश के कुश्ती खिलाड़ियों ने भाग लिया। संतोष कुमार पाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह लगभग 200 साल पुरानी परंपरा चली आ रही, वही अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का दंगल 2 वर्ष से किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। उम्र के बच्चे कल से लंगोटा बांधना चालू करेंगे। चैंपियन कृष्ण कुमार बबलू पहलवान के बड़े भैया अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के कोच। आज कुश्ती हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? ये सारनाथ में बाबा सारनाथ के नाम पर ये महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस दिन अखबार पड़ता है, महाशिवरात्रि के बाद जिस दिन अखबार पड़ता है, एक उत्सव होता है गौतम बुद्ध के नगरी में बाबा सारनाथ का, काशी विश्वनाथ जी के साले हैं, इसलिए इनका उत्सव हम लोग सारे बनारस काशीवासी मनाते हैं और अच्छी कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल कराते हैं, जिसमें विदेश जर्सिया ईरान और हर जगह के पहलवान, रामू पहलवान हमारे इनके बच्चा भी लड़ेगा, जर्सिया के पहलवान लड़ेगा, के पहलवान है, उत्तर प्रदेश ये भी खेसरी है, रेलवे के सारे लोग मेरठ का हो चुका है, गाजियाबाद का हो चुका है, जल्द ये कुछ बनारस का हो रहा है। ये 1,50,000 से शुरू हो रहा है, 10 लाख तक जाएगा, 11 लाख तक। सारे छोटे पहलवान 5,000-3,000 की उनकी भी कुश्तियाँ हो रही हैं, बादाम खाने के लिए, प्रोटीन खाने के लिए पहलवानों को दिया जाता है, कि पहलवान का एक दिन का डाइट, एक दिन का भोजन हम लोग दिया जाता है। परिवेश में कोई पहलवान जल्दी बनाना नहीं चाहता अपने बच्चे को? देखिए नेता अभिनेता और नहीं ये बात नहीं है, सभी लोग बनाना चाहते हैं, सरकार की कुछ नीतियाँ गड़बड़ हैं, जो बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा, खिलाड़ियों को आरक्षण देना चाहिए, कम से कम बच्चों को नौकरी हो तो बच्चा, घर के जो गरीब घर से पहलवान होते हैं वो करेंगे, शौक से करेंगे, ये अमीर घर के पहलवान नहीं होते हैं, गरीब घर के किसान के बेटे होते हैं, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पहलवानों को नौकरी दे, आरक्षण दे, कुश्ती में भी आरक्षण दे। मैं यही योगी जी से मांग करूंगा कि पहलवानों पर कोई भी खिलाड़ी हो, किस चीज़ का खिलाड़ी हो, उस पर विशेष ध्यान दे। खेल बहुत महंगा हो चुका है, लोग अपने बच्चों को खेल में बहुत कम लेके जाते हैं, जिस तरीके से आपको देखे कि दिल्ली में जो महिला पहलवान थी उनको साथ छूटूंगा, लेकिन आप क्या मानते हैं वर्तमान? नहीं अब वो तो मैटर छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक मैटर है, चाहे जो मैटर है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं ये अपना यहाँ दंगल है, दंगल के विषय में बता रहा हूँ और मैं उसके विषय में, ये दंगल 2 वर्ष पुराना है हमारे, 200 वर्ष पुराना है। मैं राकेश कुमार तिवारी सारनाथ दंगल कमेटी का सदस्य हूँ और हर साल की भांति इस साल भी ये अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के पहलवान आए हुए हैं और सभी अपनी जोर की आजमाइश कर रहे हैं तथा उचित पुरस्कार भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुश्ती 11 लाख रुपए की जा रही है।